सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी शॉर्ट वीडियो की कैटेगरी कौन सी रखनी चाहिए और मैं खुद अपनी चैनल की कैटेगरी कौन सी रखता हूँ, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई मुझे बता रहे थे, पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि भैया आप अपनी चैनल की कैटेगरी कौन सी रखती हो शॉर्ट वीडियो की, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर इतने खासे व्यूज आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि आपको कैसे रखना है, सारी सेटिंग बताऊंगा कि मैंने क्या क्या डाल रखे हैं, कौन सा टैग डाल रखे हैं, क्या सेटिंग पर क्लिक कर रखा है, सब कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए आपको तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने अपनी शॉर्ट चैनल की कैटेगरी कौन सी रखी है और आपको अपनी शॉर्ट चैनल की कैटेगरी कौन सी रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर मेरा चैनल खोल देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। YT स्टूडियो में जाता हूँ और यहाँ से मेरा चैनल ओपन कर देता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि आपको अपने चैनल की कैटेगरी कौन सी रखनी चाहिए, क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का हमारे पास इंटरफेस खुलता है, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे एक सेटिंग ऑप्शन होता है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है। तो जनरल वाले में आपको कुछ नहीं करना है, चैनल वाले में जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर देना है अपने देश की, कि आप कौन से देश से हो, तो इंडिया से हो तो इंडिया कर देना, और यहाँ पर आपको कीवर्ड डाल देना है आपसे चैनल के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाते हो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या बच्चों की वीडियो बनाते हो, तो हम यहाँ पर नहीं बनाते हैं, तो नो कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने करा का जैसा आपको भी कर देना है अपने YouTube चैनल की सेटिंग में, और यहाँ पर क्लिप्स भी राइट कर देना, ताकि हमारी ऑडियंस है वो हमारी क्लिप्स यूज़ कर सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीचर सेटिंग में आपको सबको अनेबल करना है, मोबाइल नंबर को, और आपकी जो सेकेंड वेरीफिकेशन है उसको भी अनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं थर्ड वाले ऑप्शन पर आता हूँ, अपलोड डिटेल्स पर, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो अपनी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, टैग कुछ इस टाइप के डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल रखे हैं विशाल के वीडियोस, एक्सपेरिमेंट, क्रेजी एक्सवाइज़, इस टाइप के आप चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये सब कुछ डाल देने के बाद मैं चला जाता हूँ एडवांस सेटिंग में, तो यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग का, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलाउ ऑटोमेटिक कैप्चर पर ओके कर देना है, राइट निशान लगा देना है, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लाइसेंस पर आपको स्टैंड यूट्यूब लाइसेंस कर देना है। कैटेगरी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी मैंने रख रखी है पीपल एंड ब्लॉग, ठीक है। अगर आप भी अपने चैनल की कैटेगरी रखना चाहते हो तो पीपल एंड ब्लॉग रखना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज आपको हिंदी करना है, और कैप्शन नॉन, और यहाँ पर टाइटल भी हिंदी में कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अलाउ कमेंट्स पे ओके कर देना है, आपको सारी कमेंट अलाउ कर देनी है, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर शो एंड लाइक का बटन देगा, अगर आप राइट करोगे तो आप व्यूवर को आपका लाइक का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और ऐसे कुछ इस टाइप की आपको सेटिंग कर देनी है।